क्वेश्चन क्या है, 2012 का है। कंपनी भारत में क्या इंट्रोड्यूस किया था, असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स। ये अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में। मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर एंड तीसरा बात यह है मोबाइल कैनन वॉरफेयर बाबर लेके आए थे, बाबर इंडिया में लेके आए थे, बाबर लेके आए थे। दो ऑप्शन तो गलत है, एलिमिनेशन आराम से काम, हमारा ऑथेंटिक एलिमिनेशन टेक्निक, रिलायबल एलिमिनेशन काम में आएगा। चल दो, हमारे पास चॉइस अभी फिफ्थ वाला आ गया, ए या डी। ने किया था इंडिया में, अगर टोबैको का होम ग्रोन प्रोडक्शन पॉपुलराइज किया था, ज्यादा स्प्रेड किया था, वो जहांगीर ने किया था। टोबैको अंग्रेज लेके, चिली भी कहीं ना कहीं पोर्तुगीज लेके आए थे। हालांकि मतलब रेड चिली के मामले में ये है कि कुछ सोर्सेस में पोर्तुगीज आता है, कुछ अंग्रेज लेके, टोबैको तो लेके नहीं आए हैं, आधा सही आधा गलत हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा फिर, एक तो ए या ए पहला स्टेटमेंट, असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल ऑफ क्रॉप्स। ये बात तो अंग्रेजों से पहले इंडिया में मौर्यन टाइम से आपको दिखती है, कोई बड़ी बात नहीं थी। मौर्यन एम्पायर के समय से आपको दिखेगा सॉइल की क्वालिटी, नेचर क्या है, क्रॉप्स की क्वालिटी क्या है, उसके बेसिस पे लैंड को असेस करते थे। या अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी ये जो रूलर्स थे, उन्होंने भी मेडिवल इंडिया में वही किया था। लैंड का जो क्वालिटी है, लैंड का जो नेचर है, टाइप है, उसके हिसाब से गुड मिडल बैड उसको डिवाइड किया था, तब से क्रॉप्स आएंगे एंड रेवेन्यू आएगा। और अंग्रेजों के कॉन्टेक्स्ट में तरीके से क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, बट बिल से रिलेटेड है। फर्स्ट पोजीशन ऑफ द रिस्ट्रिक्ट, पोजीशन ऑफ ऑन द इंडिया ऑफ सर्टन असेस carry on the arms, position or restrictions carry on the arms, उससे connected था Ilbert Bill controversy। ये option तो लाया गया था by Arms Act, by or through Arms Act, option one। Second, position of the restrictions upon newspapers and magazines published in Indian language, ये तो Vernacular Press Act से हुआ था, तो Vernacular Press Act से आता है, ये भी 1878 का है, क्या है, है? गलत है। फिर ये देखिए of the duty of removal of a duty imported cotton cloth के ऊपर duty remove करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से कोई बताया जाएगा तो possible नहीं होता है, क्योंकि import of the duty on imported cotton
कि पहले से ही गई थी, रोकी गई थी, तो चांस ही नहीं अंग्रेज उसको रिमूव करेंगे। और अगर ड्यूटी को रिमूव करना भी है तो उसके लिए बिल लाने की जरूरत नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन अप्लाई किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आंसर हमारा क्या है पता भी नहीं होगा कि हम सही आंसर की वाला फॉर डिस्क ऑन द वाला फॉर डिस्क इन मैरिज ये पॉइंट ध्यान में रखना। और यहाँ पे एक तरीका और है कि आंसर की तरफ हम आ सकते हैं, वो कैसे डिसाइड होता है कि ड्यूटी वाला पॉइंट वेरी क्लियर है उसको एलिमिनेट कर दिया, तो 75% आपने एलिमिनेट कर दिया, 80% एलिमिनेशन के ऊपर क्या है ऑप्शन बी जो अपॉन न्यूज़पेपर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, भैया इसके लिए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, पर बाय चांस अगर आपको याद नहीं आ रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर भी एक घर में आती है हमारे जो भी हम पढ़ते हैं, क्या है प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो बहुत बार लगाए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना रूल शुरू किया था और इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिला, तो लगभग ये जो 200 साल का एरा था कम से कम 10 से 15 बार प्रेस के रिस्ट्रिक्शंस लगे थे और फिर उसको उठाया भी गया था, उसको हटाया भी गया था। प्रेस रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर अपोजिशन हुआ था, उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म हुआ था, आवाज उठाई गई थी, बट प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लाते वक्त कॉन्ट्रोवर्सी होने का चांस नहीं, खास करके लैंग्वेजेस के ऊपर मैगजीन्स पब्लिश हुए उसके लिए अगर कोई बिल पास किया जा रहा है जो एक्ट बनेगा या कानून बनेगा उस पर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं आएगी। वही चीज आर्म कैरी कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगता है कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगी, वो तो तुरंत पास हो जाएगा ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके हट जाएंगे। क्यों, ये चीज़ें ऐसी है कि ये तुरंत पास होने वाली चीज़ें हैं क्योंकि वो तो इंडियंस के ऊपर कहीं ना कहीं इंडियंस को कुछ चीज़ों में आपको मना किया जा रहा है और ये तो अंग्रेज शासन के लिए वहाँ कंट्रोवर्सी होने का चांस नहीं है। कंट्रोवर्सी कहाँ होगी ये लॉजिक लगाना है आपको, ये लॉजिक लगाना है और फिर जब आप ऑप्शन सी पढ़ोगे अपने आप पता चलेगा बाद में। यूरोपियन जो अक्यूज है ख्याल करेंगे बात को लेके तो रेसिस्ट माइंडसेट अंग्रेजों का बाहर आएगा और आ भी गया, बट बिल जो आ रहा था उसके खिलाफ अपोज किया गया था। आंसर है ऐसे लॉजिक लगा के आपको और एलिमिनेशन टेक्निक्स करके सॉल्व करना है।